आइए, जैसा कि वायदा किया था जनता जनार्दन से कि हाशिम भाई के साथ इस गरिमा में कवि सम्मेलन का स्थगन होगा, वो वायदा पूरा करते हुए हाशिम फिरोजाबादी आपके सामने। आराम से थोड़ा देर रुकिए ना, क्या है, बच्चा घर पे सोया यहाँ सोया क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दीजिए उसको। आंटी बैठिए, 2 मिनट बस बैठ रही है, 2 मिनट बैठिए बस, उसके बाद तो जाना ही। आंटी बैठिए प्लीज, सिर्फ 2 मिनट, आपसे निवेदन है, बैठे सिर्फ 2 मिनट, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ नहीं, उठ गया हो तो बेशक चले जाए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। हाँ बैठ जाए या फिर चले जाए, पढ़े 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, आप देखिए जी। ऐसा नहीं होता, आप मजदूर समझ रहे हैं कि शुरू करो ना, आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कैसे बोलना है, सॉरी ऐसा नहीं होता, तमीज तो हो, आप कैसे बोल रहे हैं। उसे करीब से समझा है, देखा भाला है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उसे उसे करीब से समझा है, देखा भाला है, उसे करीब से समझा है, देखा भाला है, उसे करीब से समझा है, देखा भाला है, बहुत हसीन है लेकिन वो दिल का काला है, है। हसीन है लेकिन वो दिल का काला है। और एक शेर, उसी को आज मुसीबत समझ रहा है तू, उसी को आज मुसीबत समझ रहा है तू, कि जिसने तुझको मुसीबत के साथ पाला है, उसी को आज मुसीबत समझ रहा है तू, उसी को आज मुसीबत समझ रहा है तू, कि जिसने तुझको मुसीबत के साथ पाला है। अशोक भैया, हाँ स्वागत, कि जिसने तुझको मुसीबत के साथ पाला है, जवाब देना तो हमसे भी आता है दोस्त, जवाब देना तो हमसे भी आता है ए दोस्त, ये और बात हमारी जबां पे ताला है, ये और बात हमारी जबां पे ताला है, हमारे दौर की पहचान है यही हाशिम, हमारे दौर की पहचान है यही हाशिम, के बेहयाई का हर संत बोल बाला है, के बेहयाई का हर संत बोल बाला है, के बे हयाई का हर संत बोल बाला है। और दो शेर आदरणीय विधायक जी के लिए पढ़ता हूँ। स्वागत। एक छोटा सा निवेदन, ये जो दो लोग लेटे हुए सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है थोड़ा बैठ जाएं। कश्ती का तलबगार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए, ये वो अदब की महफिल है, और समाप्त हो तो बड़े अच्छे तरीके से समाप्त हो। हाँ हाशिम भाई, एक बार तालियां बजा करके हाशिम भाई को अपनी तालियों से नवाजें। रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई, ऐसा लगता है कभी सम्मेलन तो अब शुरू हुआ। रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई, रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई, रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई, रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई। दूसरी पंक्ति अशोक भैया खास तौर देखें, रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई, आप आए बड़ी मेहरबानी हुई,
कितनी हसी क्या सुहानी हुई। अब एक शेर लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, नफरतों की कहानी पुरानी हुई, नफरतों की कहानी पुरानी हुई, रात कितनी हसी क्या सुहानी हुई, आप आए बड़ी मेहरबानी हुई। शेर रंग तहजीब नो देखते देखते, रंग तहजीब नो देखते देखते, शर्म भी शर्म से, शर्म भी शर्म से पानी पानी हुई, शर्म भी शर्म से, शर्म भी शर्म से पानी पानी हुई, रंग तहजीब नो देखते देखते, मसले हल हुए जो न तलवार से, मसले हल हुए जो न तलवार से, हल किए हमने वो, हल किए हमने वो अपने किरदार से, हल किए हमने वो अपने किरदार से, मसले हल हुए जो न तलवार से। और ये शेर सुनाना था, इसके लिए मैंने आपको एक मतलब ज्यादा सुनाया, पेश करता हूं। कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, कम नहीं है हमें, आहा आहा, मसले हल हुए जो न तलवार से, हल किए हम न वो अपने किरदार से, कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, हम परेशान भी हैं, हम परेशान भी हैं आपकी हार से, हम परेशान है आपकी हार से, वाह 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 वाह। दो शेर और खास तौर से पेश करता हूं, सुनेगा अशोक भाई देखिएगा। हाँ हाँ, चैन वो कब जहां मैं पाता है, चैन वो, चैन वो कब जहां मैं पाता है, अगली लाइन पे आप चौंकेंगे, चैन वो कब जहां मैं पाता है, दिल जो माँ बाप का है खाता है, दिल जो माँ बाप का दुखाता है। और एक शेर जब हम किसी से पूछे, किसी नौजवान साथी से पूछे क्या करते हैं आप, तो एक ही जवाब मिलता है, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। सारे कारोबार खत्म हो गए, सारे बिजनेस खत्म हो, जिसको देखो प्रॉपर्टी काम कर रहा है, मैंने उसे शेर बनाया, चैन वो कब दिल जो, दिल जो माँ बाप का दुखाता है, कल उसे कब्र भी दबाएगी, कल उसे कब्र भी दबाएगी, भाई क्या बात, कल उसे कब्र भी दबाएगी, जो किसी की जमीन दबाता है, कल कमाल की बात दबाएगी, जो किसी की जमीन दबाता है, जो किसी की जमीन, भाई वाह 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 वाह।